नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, IGRS में शिकायत करने वाले फरियादी का हुआ त्वरित निस्तारण, ऑनलाइन शिकायत करने पर प्रशासन की ओर से हुई शीघ्र कार्रवाई। GDA बोर्ड की बैठक में कमिश्नर ने की योजनाओं की समीक्षा। चलती कार में अचानक लगी आग, चंद सेकंड में ही स्वीट डिजायर कार हुई खाक, बाल बाल बचा पूरा परिवार। किशोरी से छेड़खानी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मजदूरों के उत्पीड़न के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने किया धरना, कहा नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ जन हुए सम्मानित। ललित कला महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। लेखपाल संघ के द्विवार्षिक चुनाव में लगभग 800 मतदाताओं ने अपने अधिकार का किया प्रयोग। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह ने बैंक में हो रही ऋण योजनाओं की गिरावट पर असंतोष जताया। किसान क्रेडिट कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य, नहीं हुआ तो खाते में नहीं मिलेगा अनुदान। और राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने राहगीरों को रक्षा सूत्र बांधकर दिलाई सफाई अभियान से जुड़ने की शपथ। अब समाचार विस्तार से। IGRS में ग्राम हक्काबाद के लाल बहादुर यादव की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए SDM सदर द्वारा टीम भेजकर इसकी जांच कराई, जिसमें रास्ते की भूमि पर लिंटर लगाने का काम रुकवा दिया गया। शिकायतकर्ता ने इसके लिए ऑनलाइन बताया था कि निस्तारण हो गया है और इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। ये जानकारी CRO बलराम सिंह ने दी। IGR के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रेरित किया कि निस्तारण आख्या के समयबद्धता गुणवत्ता व विशेष ध्यान रखते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करें। आवास काम करेगा और इसमें चार तरीके की शिकायतें रहेंगी। एक तो ग्रीवांस रहेगा, यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। दूसरा, उन्होंने जो कैटेगरी रिसीव करेंगे और फिर वो सूचना जो है वो IGRS पे आएगी और L1 L2 करके जो ऑफिसर्स की कैटेगरी बनाई है उस हिसाब से उसका ग्रीवांस का रजिस्टर किया जाएगा। ग्रीवांस संबंधी शिकायत है तो उसको रिफर करेंगे और जो आवश्यक होगा उसको उस तरीके से करेंगे, लेकिन डिमांड वाली जो शिकायत है वो हम लोगों को नहीं आएगी। तो उसमें सजेशंस अगर कोई कुछ पूछता है कोई, तो उसको वही लोग देंगे जो सेंटर पे बैठेंगे। तो यहाँ से लेना देना केवल ग्रीवांस का है। जो भी शिकायत आएगी वो L1 ऑफिसर को पहले जाएगी, अगर वहां से निस्तारित नहीं होती है तो फिर L2 को L3 इस तरीके से L4 तक बनाया है। और आपको क्या करना होगा, जब L1 पे कोई शिकायत आती है तो शिकायतकर्ता से वार्ता करनी पड़ेगी कि भाई आपने क्या शिकायत किया है, आपका क्या है, और उसी हिसाब से उसका निस्तारण कराना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसमें जो अगर कोई क्वेरी करनी रहेगी तो जो वहाँ NIC बनाई गई है उसका क्वेरी नंबर आप लोग नोट कर लें, 0522। मोबाइल में इसी पे क्वेरी वहां कर सकते हैं, 0522, उसके बाद फिर 2215126। ये जो CM हेल्पलाइन का जो NIC वहां बनाया गया है, 500 लोग जहां पे बैठेंगे और लोगों की शिकायत को सुनेंगे और वो फिर IGRS में दर्ज भी होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक गुरुवार को GDA सभागार में संपन्न हुई। बैठक में GDA के कॉलोनियों के मकानों के आवंटन, पार्कों के रखरखाव, अगले वित्त वर्ष में पेश होने वाले GDA के बजट सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में GDA के अध्यक्ष व कमिश्नर अनिल कुमार, उपाध्यक्ष वैभव श्रीवास्तव, प्रभारी DM व मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कमिश्नर ने GDA के सभी योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। सारे ही सर पिछले विगत 5 वर्षों अपने 25% के कोटे से कम रहने को अरोपित संपत्ति की कैटेगरी कर रहे हैं। ये सारी संपत्तियां 18 दिन बन गई,
अभी सर जो पॉइंट नंबर 20 है उसके अनुसार इनको हम आलोकनीय संपर्क कैसे करें। विकास मूल्य होना चाहिए 15,30,000, डेप्रिसिएशन मूल्य होना था 11,04,000, शास्त्रीपुरा में 11,72,996 हो रहा है। गाड़ी चालक की लापरवाही से बुधवार की रात गोरखपुर के लिटिल फ्लावर चौराहे के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक चलते चलते आग लग गई। यहां पर लापरवाही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को असुरन चौराहे से ही जलने की बदबू आ रही थी, फिर भी उसने गाड़ी को रोका नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि चंद सेकेंड में ही गाड़ी थू थू कर कर जल गई। आपको बताते चलें कि इस गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें चालक सहित उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। आग लगते ही ये सभी गाड़ी से निकलकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गाड़ी चलाने वाले ने बताया कि कार में अचानक आग लग गई और वहां के स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में काफी सहायता की। गाड़ी लोग यहाँ एक तारामंडल पे हमारे यहाँ फंक्शन था, उस फंक्शन से हम लोग आ रहे थे। रेलवे स्टेशन पर मेरी एक सासू माँ जी इलाहाबाद रहती हैं, उनको हम छोड़ करके आ रहे थे। आने समय हमको गाड़ी असुरन के आगे जब मैं बढ़ा हूँ तो हल्की सी स्मेल आई है। मैं गाड़ी से उतर गए, हम थे, हमारा एक बच्चा था और हमारी एक मिसेज थी, तीनों लोग उतर करके जब देखे हैं तो गाड़ी में हल्की हल्की स्मेल आ रही थी और हल्की सी चिंगारी दिखी है। गाड़ी हम लोग उतर गए हैं, यहाँ भाई साहब जो लोग हैं सर्विस सेंटर वाले, उन लोगों ने बहुत सहायता किया। एक भाई साहब वहाँ एक अपने घर से पाइप निकाले हैं, पाइप निकाल करके ये मारना शुरू किए हैं। बोनट खुल गया था लेकिन पता नहीं किस वजह से फंस गया, बोनट नहीं खुल रहा था। पूरी आग पकड़ ली है गाड़ी में, बाल्टी प्रेशर पानी पंप जितना भी संसाधन थे यहाँ सभी लोगों ने मिलकर सहायता किया है। गाड़ी की स्थिति ये आज के समय है कि ये कहिए शुक्रगुजार है, 10 साल का लड़का। गाड़ी का मॉडल क्या है, कौन गाड़ी है? UP 53B। गाड़ी का नंबर 2014 BP 1906 UP 53 BP 1906। पेट्रोल गाड़ी है? नहीं, डीजल गाड़ी है। ये कहाँ की गाड़ी, रजिस्ट्रेशन है? गाड़ी गोरखपुर की गाड़ी है, रविशंकर शुक्ला के नाम गाड़ी है ये। बुधवार को बढ़लगंज क्षेत्र के सेमरा बुजुर्ग गांव में शहदों की छेड़खानी से तंग आकर एक किशोरी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। घर वालों के काफ़ी मशक्कत के बाद आग बुझाकर किशोरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां किशोरी का प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। किशोरी की हालत गंभीर होने के कारण उसे BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता की मां की तहरीर पर बढ़लगंज पुलिस ने आरोपियों पर रेप की कोशिश, छेड़खानी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में SPRA नॉर्थ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी की तलाश जारी है। एक बच्ची ने अपने ऊपर तेल डाल के अपने को जला लिया है और इस घटना में जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी हमारी टीमें हैं। शीघ्रातिशीघ्र बाकी लोगों की गिरफ्तारी हम करा रहे हैं, हमारी टीमें मूवमेंट में हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, उस बच्ची द्वारा लोगों को बताया गया कि कुछ लोग उसके साथ छेड़खानी किए और इस छेड़खानी से वो आहत हो गई और आहत होने के बाद उसने कहा। इसमें 272/17 है, 354, 323, 504 और पॉक्सो लगा है, 31 SCST भी लगा है।
अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत शीघ्र हम बाकी गिरफ्तारी। यानी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वावधान में यूनियन के सदस्यों ने गुरुवार को महाप्रबंधक के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने नारेबाजी भी की। दरअसल ये धरना इस विरोध में था कि ट्रैक मेंटेनरों का उत्पीड़न रेलवे के ही अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज जैसे अभद्र आचरण की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। धरने का नेतृत्व कर रहे यानी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता का कहना है कि मजदूरों के इस उत्पीड़न में वो काफ़ी आक्रोशित हैं, जिसके विरोध में यूनियन के सदस्य धरना दे रहे हैं और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पत्रक के माध्यम से महाप्रबंधक यानी रेलवे को देने जा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया। जितना जो ट्रैकमैन काम करते, ट्रैक मेंटेनर लाइन को ठीक करते हैं, गाड़ी चलाने के पट्टी को ठीक करते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के गुर्गे लोगों को काम करने वक्त पर गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और प्रशासन टीएम सुनते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो मारता है उसको सस्पेंड का ऐलान भी करते हैं लेकिन घूम रहा है, काम कर रहा है, इंक्वायरी करा रही है, इंक्वायरी में कुछ नहीं हो रहा है और धमकाने वाला काम कहा आदमी को पल वक्त धमकाया जा रहा है। अब ऐसे हालत में डीएम साहब को एमेंडमेंट देना है कि साहब अगर लोग धमकाएंगे, ट्रैकमैन काम करेंगे, काम करने नहीं देंगे, उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे, ऐलान बता जाएगा, ऐलान करें कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये पत्थर देकर उनको आगाह करने का काम किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम वही है, उनको मेमोरेंडम दिया जा रहा है, उनको आगाह किया जाएगा कि इसका सजा जो मारा पीटा उनको सजा मिलना चाहिए। ये जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सभागार में किया गया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद जमाल, महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रहरी, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, मदन त्रिपाठी, मार्कंडे प्रसाद, गोरखलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रेम नारायण सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे सहित कई अन्य वशिष्ठ लोगों को माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर भारी जीत हासिल करने की रणनीति पर जोर दिया गया। बहुत अच्छा। हमारा सीना चौड़ा हो गया, हम तो डर के आए थे पता नहीं क्या संख्या रही, लेकिन साथियों यह जो संख्या दिखाई दे रही, अगर इतने लोग कुछ मन बना ले आज से करने के लिए, यह नहीं कि भाषण खत्म वापस। माताओं ने अपना गोद सुनी किया, बहनों ने अपना सुहाग खाली किया, तब जाकर के देश की आज़ादी हासिल हुई और उस देश की आज़ादी हासिल होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश की मजबूती और बढ़ावा मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए बहुत से सारे काम किए। आज नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा ललित कला महोत्सव के तहत आयोजित राय बहादुर राम नारायण लाल एवं हर नारायण लाल स्मृति चित्रकला प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण समारोह गुरुवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, मंकेश्वर नाथ पांडे, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, कृष्ण श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शशि भूषण श्रीवास्तव सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पिछले 17 दिसंबर को ललित कला महोत्सव के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विजयी बच्चों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कला के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उषा सिंह जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के अध्यक्ष और शीघ्र में मैं आग्रह करना चाहता हूँ, पहले भी मैं कई बार आ चुकी हूँ
और यहाँ पे और भारी संख्या में उपस्थिति होती थी आज, मुझे लगता है ठंड के कारण कम है। तो इस तरह आप सभी ललित कला मतलब चित्रकला, पेंटिंग, ड्राइंग, जैसे भी आप समझ लें उसको, आप अपने जीवन में आत्मसात करके अपने व्यक्तित्व को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और इस तरह बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय की महत्ता को आप सभी समझते हैं और विशेषकर इस कॉलेज को मैं वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं कि सरली प्रतिभा ये एक प्राचीन समय से मतलब बहुत दिनों से ये करा रहे हैं और ये अनंतर आगे भी चलता रहेगा। और मैंने तो पेंटिंग देखी नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत उम्दा पेंटिंग इन कॉलेजेस से इन स्कूल के बच्चों ने किया होगा और ये आगे आगे यूनिवर्सिटी लेवल में और उसके बाद वो एक स्वतंत्र आर्टिस्ट कलाकार के रूप में। पिता टीका के नाम है श्री संजय यादव, डिवाइन पब्लिक स्कूल गोरखपुर की है। तृतीय स्थान पाया है तेजस्विनी मौर्य। क्लास सिक्स से एट तक द्वितीय स्थान में कुमारी अफगान। राजकीय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का द्विवार्षिक चुनाव गुरुवार को तहसील सभागार में आयोजित हुआ। चुनाव अधिकारी व संघ के मंडल सचिव लाल कृष्ण श्रीवास्तव की देखरेख में लगभग 800 लेखपाल मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव से पूर्व संघ के पदाधिकारियों ने 2 वर्ष के खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसके बाद वर्ष 2015 की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। वर्ष 2017 के चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए नीलकंठधर दुबे और सुनील सिंह, मंत्री पद के लिए जगदीश प्रसाद और दिनेश कुमार पंकज, उपाध्यक्ष पद के लिए राम केवल सिंह और संदीप यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए विश्वजीत शाही और नागेंद्र दुबे, उपमंत्री पद के लिए रत्नेश्वरी और विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद के लिए हरिप्रकाश श्रीवास्तव और फूलचंद श्रीवास्तव और ऑडिटर पद के लिए अजय पाठक और कुमारी भावना ने दावेदारी की। प्रदेश को चंदा 68,320 रुपया, टाई फोटो स्टेट में 4,200 रुपये, प्रदेश की बैठक आदि में 15,700 रुपये, मंडलीय बैठक में 3,500 रुपये, औपचारिक भेंट अतिथि सत्कार में 14,500 रुपये, एआर के वार्ड में 23,000 रुपये, टेंट कैटरर्स को अग्रिम 5,000 रुपये, हलवाई को अग्रिम 5,000 रुपये, कुल योग 1,38,920 रुपया, शेष धनराशि 1,05,880 रुपये। अनुमानित वार्षिक बजट आय जो हमको होनी है 27/12/2017 के बाद से शेष धनराशि 1,05,880 रुपये, मासिक शुल्क से प्राप्त धनराशि 74,000 रुपये, बकाया चंदा 92,400 रुपये। इस तरीके से 2,72,280 रुपये हमारा अगले साल का वार्षिक आय होगा। बैंक की वार्षिक ऋण योजना में 11% की गिरावट पर सीडीओ अनु सिंह ने असंतोष व्यक्त किया है तथा सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस वर्ष के अंतिम त्रैमास में लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का वार्षिक ऋण का लक्ष्य 35,07,630 रुपये है, जिसमें सितंबर तक रुपया 11,06,820 प्राप्ति हुई है जो 32.67% है, जबकि पिछले वर्ष सितंबर माह तक 43.36% उपलब्धि रही थी। सीडीओ ने कहा कि सभी बैंक शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने कहा कि फसली ऋण रबी बीमा योजना में 31 दिसंबर तक किसानों का प्रीमियम राशि कटौती करके रिलायंस सामान्य बीमा कंपनी को उपलब्ध करा दें। यदि किसी किसान के साथ दुर्घटना या फसल का नुकसान होता है और प्रीमियम जमा नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शाखा एवं बैंक की होगी। आधार से लिंक ना होने पर किसान क्रेडिट पर वितरित ऋण पर खाते में ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा।
यह जानकारी CDO अनुज सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट खाते पर लेने वाले सभी किसान अपना KCC आधार कार्ड से जुड़वा लें। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों से अनुरोध किया है कि ब्लॉक से प्राप्त आधार कार्ड संख्या को मनरेगा लाभार्थी के खाते से जोड़ दें। मनरेगा में 8 से 9 लाख मजदूर पंजीकृत हैं। सभी का फॉर्म भरकर सहमति प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए सभी बैंक प्रबंधक ब्लॉक से प्राप्त सूची के अनुसार आधार कार्ड लिंकेज करा दें। इसके अभाव में उनके खाते में धन भेजा जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश मनरेगा मजदूर के खाते पूर्वांचल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं इलाहाबाद बैंक से जुड़े हैं। इन बैंक के शाखा प्रबंधक विशेष ध्यान दें क्योंकि इस क्षेत्र में प्रगति बहुत खराब है। CDO ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को आधार कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि जब वे अपने खाते से पैसा निकालने आते हैं तो उसी समय उनका कार्ड नंबर ले लिया जाए। बैंक से संबंधित समाज कल्याण, दिव्यांग एवं प्रोबेशन विभाग आधार कार्ड की सूची प्राप्त कर लेगा। उन्होंने बैंक प्रबंधकों से अपील की है कि तदनुसार कार्रवाई पूरी कर लें। दिग्विजय नाथ PG कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन स्वयं सेविकाओं द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुरुवार को कॉलेज परिसर से रैली निकाली गई। ये रैली कॉलेज परिसर से निकलकर चेतना तिराहा पहुंचा, जहां स्वयं सेविकाओं ने राहगीरों के साथ में रक्षा सूत्र बांध कर उन्हें स्वच्छ भारत मिशन की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने राहगीरों को सफाई अभियान से जुड़ने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी कमलेश मौर्य, प्रियंका, आरती, दिव्या, अनुप्रिया, सीमा, अनुराधा सहित कई स्वयंसेविकाएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वयंसेविका प्रियंका ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान हम सबके लिए लाभकारी है। प्रियंका ने कहा कि साफ सफाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये काम कोई करना नहीं चाहता। अगर हम सब मिलकर अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई स्वयं करें तो वो दिन दूर नहीं जब अपना भारत विदेशों के समान चमक उठेगा। क्या नाम है आपका? प्रियंका, कॉलेज से। क्या कर रही हैं आज? स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैसे जागरूक कर रहे हैं? लोगों को रक्षा बांध रही उस दौरान क्या कह रही हैं, उनको क्या समझा रही हैं? अब जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। IGRS में शिकायत करने वाले फरियादी का हुआ त्वरित निस्तारण। ऑनलाइन शिकायत करने पर प्रशासन की ओर से हुई शीघ्र कार्रवाई। GDA बोर्ड की बैठक में कमिश्नर ने की योजनाओं की समीक्षा। चलती कार में अचानक लगी आग, चंद सेकंड में ही स्विफ्ट डिजायर कार हुई खाक, बाल बाल बचा पूरा परिवार। किशोरी से छेड़खानी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मजदूरों के उत्पीड़न के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन ने किया धरना, कहा नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ जन हुए सम्मानित। ललित कला महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। लेखपाल संघ के द्विवार्षिक चुनाव में लगभग 800 मतदाताओं ने अपने अधिकार का किया प्रयोग।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह ने बैंक में हो रही ऋण योजनाओं की गिरावट पर असंतोष जताया। किसान क्रेडिट कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य, नहीं हुआ तो खाते में नहीं मिलेगा अनुदान। और राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने राहगीरों को रक्षा सूत्र बांध कर दिलाई सफाई अभियान से जुड़ने की शपथ। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।